लोकसभा चुनावों के साथ नेताओं की बदजुबानी और आरोप प्रत्यारोप का दौर थम ही नहीं रहा है। बीजेपी नेता राहुल गांधी को कभी नामदार तो कभी नया जिन्ना कह रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने भी चौकीदार चोर है का नारा देकर बीजेपी की परेशानी बढ़ाई है। कुछ दिन पहले एक रैली में राहुल गांधी ने सारे मोदी चोर हैं कहा था, जिसे लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अब राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। सारे मोदी चोर के बयान को लेकर सुशील मोदी ने मानहानि का केस दर्ज करते हुए कहा कि राहुल गांधी के इस तरह के भाषण से जो मोदी टाइटल वाले व्यक्ति हैं उनको चोर बताया गया है, इससे समाज में उनकी छवि धूमिल हुई है। मोदी ने यह भी कहा है कि ये आपराधिक कृत्य है जिसकी सजा कोई कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को जरूर मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि एक जनसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ये विवादित बयान दिया था। राहुल ने कहा था, आखिर सभी चोरों का नाम मोदी क्यों हो सकता है। इस दौरान राहुल ने भगोड़े उद्योगपतियों नीरव मोदी ललित मोदी का उदाहरण दिया था। राहुल ने कहा था, सारे चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस बयान को लेकर राहुल पर हमला बोल चुके हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये आपके इस चौकीदार को नीचा दिखाने की मानसिकता है, ये सल्तनत वाली मानसिकता है जिसमें हर शोषित वंचित समाज को हीन नजर से देखा जाता है और उसे अपना गुलाम समझा जाता है। चौकीदार, मोदी और चोर के त्रिकोण में राहुल गांधी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी गई है। देखना होगा कि वे कैसे इससे निकलते हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।